हेलो दोस्तों, मैं हूँ सिकंदर आलम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल रेसिपी, काबुली चना सीख कबाब। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आइए जानते हैं काबुली सीख कबाब कैसे बनाए। काबुली सीख कबाब बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पे काबुली चना। अब इसको थोड़ा चॉप कर लेंगे। चॉप करने से क्या होता है, आप जो काबुली चना हाथ से भी मैश कर सकते हैं लेकिन उसका छिलका जो है थोड़ा मोटा मोटा रह जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा चॉप कर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, काबुली चना मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब इसको बोल पे निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं सीख कबाब के लिए हाफ किलो काबुली चना लिया हूँ और उसका मसाला बना के आपको दिखाऊँगा। इस पर ऐड करूँगा बॉयल आलू, मैंने मैश कर लिया पहले से ही, ग्रीन चिल्ली, चॉप कोरिएंडर, कसूरी मेथी, जीरा पाउडर, चॉप ऑनियन, रोस्टेड चना का पाउडर। इस पर ऐड करेंगे पका हुआ हल्दी, मैंने मस्टर्ड ऑयल पे हल्दी को पका रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ऐड करेंगे चॉप जिंजर। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें ऐड करूँगा चाट मसाला, इसमें थोड़ा ऐड करूँगा नमक, थोड़ा गरम मसाला। अच्छी तरह से इस तरह रगड़ के मैश कर लेंगे। यहाँ पे काबुली सीख कबाब का मिक्सचर यहाँ पे तैयार है और इसमें आखिर में ऐड करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल से अच्छा फ्लेवर आता है, इसके लिए ऐड कर रहा हूँ। अब इसको मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सीख कबाब का मिक्सचर बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, अब इसको सीख में लगा लेंगे। देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, बहुत ही आराम से तो सीख में लगा देना। इस तरह थोड़ा हल्के हल्के पानी हाथ करके फिर लगाएं। देखिए यहाँ पे हमारा सीख कबाब कितना बेहतरीन लग चुका है। अब इसको तंदूर में रोस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको ढक के पका लेंगे। काबुली सीख कबाब मैंने रोस्ट के लिए तंदूर में डाल दिया है। अब इसको कम से कम 5 मिनट तक तंदूर में रोस्ट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे रोस्टिंग में छोड़े हुए सीख कबाब को 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे सीख कबाब हमारा रोस्ट हो चुका है। अब इसको पानी की मदद से ठंडा कर लेंगे, सरिया को थोड़ा आगे से क्लीन कर लेंगे। इसको इस तरह से घुमा के आराम से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से इसको हल्के आराम से इसको कट कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर काबुली सीख कबाब जो होता है खास्ता ज़्यादा होता है। इसको मैं कट के दिखाऊंगा आपको, थोड़ा आराम से थोड़ा हल्का दबा लेंगे इसको, इसको कट कर लेंगे इस तरह। देखिए दोस्तों अब इसको प्लेट में लगा लेंगे। देखिए काबुली सीख कबाब कितना बेहतरीन बन के तैयार है। इस तरह से आप काबुली सीख कबाब बना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।